ओ, इमरान भाई की तो किस्मत में यही लिखा था कि बकरे को हाँकते हुए बहन के घर पहुंचे, सो पहुंच गए। और सुनाइए, क्या हाल चाल है इन दो मोहब्बत भरे परिंदों का इस मौसम में बाहर में? आप सचमुच हमारे लिए बकरा लेकर आए हैं? जी हाँ, मैं सचमुच आपके लिए बकरा लेकर आया हूँ, सचमुच। अंदर ले आओ भाई। मम्मी ने बहुत सारी दुआएं भेजी हैं और कहा है कि पहली ईद को मैके का बकरा आता है। ओह थैंक गॉड। अरे इमरान, इसकी क्या जरूरत थी? मम्मी ने खामखा तकल्लुफ किया। हाँ, मैंने भी मम्मी को बोला था खामखा आप तकल्लुफ कर रही हैं, मैं मेरे खाले वापस ले जाता हूँ। नहीं नहीं इमरान भाई, प्लीज। अच्छा चलो फिर बैठ जाता हूँ। बकरे के बराबर है बारात। अभी तो जनाब चार से आया है, चार से आ गया, आ गया मेरा शहजादा, आ गया, आ जाओ आ जाओ। शान है, क्या स्वागत है। मेहमान है, ये सब क्या है? कुछ नहीं है भाई, जरा दूसरी किस्म का बकरा है, यूं समझ लो कि यानी वो क्या कहते हैं, बड़ा इंटेलेक्चुअल किस्म का बकरा है। कदर शानदार है, चल क्या चल रहा था? हाँ बिल्कुल ऐसे चल रहा था जैसे नेपोलियन बोनापार्ट चला करता था। इसका हम क्या करेंगे? इसका कुछ ना करो, उसके सींग निकाल के अपने लगा लो। भाई आप भी कमाल करते हैं, भाई करना क्या है, इस पर फख्र कीजिए, फख्र। अरे भाई ये इस सदी का ज़हीन तरीन बकरा है, सुकरात है अपने दौर का सुकरात, बुकरात से कोई ये पौने दो साल छोटा है, सात ज़बानें जानता है, सात। बस यूं समझ लो कि इल्म का एक चलता फिरता खजाना है, और पता है डैडी ने इस पर एक किताब भी लिख दी है। कितने खुशकिस्मत है, ऐसा बकरा किसी के पास नहीं होगा। जरा एक मिनट इधर आओ जी, देख रहे आपको नहीं। मैं वापस अपनी जगह, मैं वापस नवीन तो मैं कह रहा हूँ, आओ इधर आओ। शहजादा है, रुके तो सही। ये क्या बात है, क्या बात है, गुड्डू क्यों बुला रहे थे? आइए सब आंटी, ये देखिए कैसा आपस कयामत बकरा है। अंकल ये सिर्फ बादाम खाता है? अरे हाँ हाँ बेटे, ये हर वो चीज खाता है जो अकलमंद इंसान खाते हैं। इसको मुर्गन किस्म की गिजाएं ज्यादा पसंद है, मिसाल के तौर पर चिकन करी, लीवर करी, किट करी, फिश करी पसंद है, कोरमा बिरयानी, चिकन बिरयानी पीस, पुलाव, टमाटर सॉस, कटलेट्स वगैरह। और एक और डिश है चुकलू चुकलू। चुकलू चुकलू जो है ये अफ्रीका में तैयार होती है और खास तौर से इसके लिए इम्पोर्ट की जाती है। हाँ तो जैसे कि मैं बता चुका हूँ कि ये पहले सुखरात बुखरात किस्म का बकरा रह चुका है और अब भी है, तो नीम क्लासिकल मौसीकी इसको ज्यादा पसंद है, लेकिन जब पॉप म्यूजिक सुनता है तो इसका मूड ऑफ हो जाता है। मिसाल के तौर पर किसी सर्कस का बकरा है क्या? जी क्या फरमाया आपने? ये किसी सर्कस का बकरा है क्या? क्या आप वहाँ रह चुकी हैं? आई एम सो सॉरी, मेरा मतलब ये था कि आपकी तारीफ। आप इसके उस्ताद हैं क्या? नहीं सब आंटी, ये इमरान अंकल है और नवीन भाई है ना उनके भाई। अच्छा जी, और ये बकरा जो है सात ज़बानें जानता है, शेक्सपियर भी। जी हाँ, और मैं ये और अर्ज करना चाहता हूँ कि इसको शायरी से भी शगफ है। इनके डैडी ने इस बकरे के ऊपर किताब भी लिखी है और आप इसका तमाशा दिखाते हैं। आपका नाम पूछ सकता हूँ? ये सब आंटी है। अच्छा अखबार में लिखती है। ओहो, अच्छा अच्छा अखबार में लिखती है, बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। क्यों, फजूल सा सताई जुमला है, किसी अजनबी से मिलकर एक सेकंड में भला क्या खुशी हो सकती है? ओहो, अब यकीन आया है बच्चे की बात का, पहले नहीं आया था। आप बाकी लिखती होंगी? क्या मतलब लिखती है, समझती नहीं है? मुझे जरा तफसील से इस बकरे के बारे में बताएं। क्यों नहीं क्यों नहीं, इस बकरे के बारे में आपको मैं आपको तफसील से बताता हूँ। तो आइए चलिए कहीं बैठते हैं, सैर हासिल गुफ्तगु करते हैं। जी अंकल जी, मैं भी इसकी कहानी सुनूंगा। हाँ कह रहा है, मैं भी। हाँ, सुनो जा।